सब क्या पैसे तुला साहब? हम रूपा, आपने कहा था ना कि घर का लेटर दे देंगे। लाइए क्या? क्या साहब? 5 लाख रुपए लाइए क्या? लाइए तो लेटर भी ले जा। क्या बोल रहे हो साहब आप? उस दिन तो होटल में आपने हमारे साथ साहब आपने कहा था कि आप हमारे घर का लेटर दे देंगे। तू येड़ी है क्या रे? हैं? थोड़ी देर के लिए तेरे को मैंने अपनी घरवाली क्या बना लिया कि तेरे को पूरा का पूरा घर चाहिए? 5 मिनट के लिए तू मेरे बिस्तर पे रही तो क्या 5 लाख रुपए में छोड़ देगा? लाइए तो ले जा, अभी का अभी पैसा लाइए। साहब कैसी बातें करे आप? हमने तो सब कुछ आपको दे दिया और आप? अरे जो दिया है उसकी क्या कीमत है? हाँ क्या कीमत होगी? 500 रुपए होगी ना? ठहर, ये ले, ये 500 रुपए ले। अरे ले 500 रुपए ले और जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, जा। ये भाड़ू साले, क्या बोली? वही जो तू सुन रहा है, ये 500 रुपए ना जाके अपनी बहन को देना। क्या? चुप हरामखोर, सीधे सीधे हमारे घर का लेटर दे दे, नहीं तो ऐसा फजित करेंगे ना कि तुम्हारी माँ को भी शर्म आएगी कि कैसे औलाद को पैदा किए। ये क्या करेगी तू? सबको बता देगी मैंने तेरे साथ में जो किया है, जा बता। नहीं सब हम माफ कर दो, हम आपके पैर फड़ते, सब हमारे घर का लेटर दे दो। सुन मेरी बात सुन, ये कोई भाजी तरकारी का दुकान नहीं है, सरकारी काम है, सरकारी काम। भाजी तरकारी का दुकान की तरह 2 नींबू उठाया फ्री में दे दिया ऐसा नहीं है। सब ये पेंड्रे ले जा रहा, ले जा रहा इसको। नहीं नहीं निकल बाहर। सब हमसे गलती हो गई, हम सब हम आपके पैर पड़ते सर, सब हमारे घर का लेटर दे दो सर। ये खींच रहे ले जा सब, ले जा रहे मर जाएगा सब, पति मर जाएगा सब। मत तो मर जाए, मैं क्या करेगा? दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। रूपा क्या हुआ? हम तो समझते थे कि तुम औरतों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ करते हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बड़े कमीने निकले। तुमसे मिलने से पहले हम एक घर की इज्जत थे, लेकिन उस महाडा ऑफिसर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर मिला और ना रही हमारी इज्जत, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। लेकिन ये सब बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हारी घर की इज्जत तो तुम्हें छोड़कर कब की चली गई है। बहुत गंदा खेल खेला है तुमने हमारे साथ, भगवान तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। खूब काम करना पड़ता है रे बाबा। नमस्ते सर। हाँ रे बाबा। सर वो लेटर दे दीजिए ना, वो रूपा थी ना, वो आपकी क्लाइंट। हाँ जी, रूपा के घर का लेटर चाहिए तुझे? जी वो दे दो ना सर, और वैसे बेचारी गरीब है, और आपको जो चाहिए था वो उसने सब किया, आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया, उसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए, अपनी जान छूटे मामला खत्म। बात तो तेरी सही है जी सर, पर वो कहावत तूने सुनी है ना? क्या? शेर के मुंह में खून लगना। तू एक काम कर जी, रूपा से जाके कह हाँ? फिर से एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। फिर से एक बार टेस्ट कर लूँ उसकी जवानी को, उसके बाद फिर उसके घर के बारे में सोचेंगे। टेस्ट तो कर चुके हो, अब कौन सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा? दे दो ना लेटर साहब, गरीब है बेचारी और जान पहचान के मेरी, डेली बस्ती में मिलते हैं, क्या सोचेगी मेरे बारे में साहब? क्या सोचेगी? यही ना कि तू भड़वा है। भड़वा। लेटर दे दो साहब उसका। ए, अपनी औकात में रह, असिस्टेंट है असिस्टेंट ही बन के रह, नहीं देता लेटर क्या करेगा? ए, ये क्या कर रहा है? इस जूते से बहुत कीड़ों को कुचला है साहब, लेटर दे दो उसका। ए, पागल हो गया क्या? अरे बात क्या कर रहा तू?
अरे पकड़ो उसको, साले मुझे फड़वा मत, अगर उसको नहीं क्या क्या कर रहा है सब फड़वा मेरे साथ हुआ साले पागल हो गया। ए ए रुक जा, हां जाओ रुक जा, रुक जा फड़वा मैं साले, अबे मैं तुझे, ओए साले तुझे धुरका लेके आता हूं, साले तुझे पैसे दे भाई, अरे साले बोलने वाले तेरी हाथ जोड़ते हैं, तू साले उनकी औरतों की इज्जत लूटता है, और साले क्या कर रहा तू मकान के नाम पे बेवकूफ बनाता है लोगों को, अरे रुक जा हरामी, अरे रुक जा पागल हो गया क्या तू, अरे मेरी अरे कितने बार दे दे उसका।